নমস্কার, দেখছেন হেডলাইন্স ত্রিপুরা নেশনাল। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুতপা। হেডলাইন্স ত্রিপুরা নেশনালের আমাদের চার দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানের আজ প্রথম দিন। এই চার দিনে আমরা তাদের নিয়ে কথা বলবো, তাদের নিয়ে জানবো, যাদের জন্য আমি আপনি আমরা সকলেই সুরক্ষিত থাকি, যারা বছরে 365 দিন নিজেদের বাড়ি ঘর থেকে শত যোজন দূরে থেকে আমাদের রক্ষা করে চলেন, যারা আমাদের ভারতের গর্বের সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী। আমরা কথা বলবো বিএসএফ এর অনেক অজানা কথা নিয়ে, আমরা শুনবো তাদের কাছ থেকে অনেক কথা। চলুন আমরা শুরু করি আমাদের আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান। আমাদের সঙ্গে আজ অতিথি হিসেবে রয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে রাজীব প্রতিহাস্ত উদিত, কমান্ডেন্ট 145 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ। স্যার আপকা বহুত বহুত স্বাগত হ্যায় হেডলাইন্স ত্রিপুরা পর। ধন্যবাদ। तो आपसे बहुत कुछ जानने चाहेंगे हम, क्योंकि बीएसएफ मतलब हम लोगों को ऐसे लगते हैं, अच्छा एक फेंसिंग होगा बॉर्डर, मतलब लोगों को ऐसे ही लगते हैं, लेकिन जो है असल में वो ऐसा नहीं है। तो पहले आपसे जो जानना चाहती हूँ कि ये सीमा और सीमा सुरक्षा कैसे इसका अवतरण हुआ, और जब बीएसएफ नहीं था तब कैसे गार्ड होता था बॉर्डर? सीमा जो है वो एक देश को दूसरे देश में बांटती है। तो जब से देश या राष्ट्र पुराने समय के रजवाड़े या फिर नए जमाने के आधुनिक युग के राष्ट्र, जब से इसकी कल्पना अगर हम करते हैं तो हमेशा से ये सीमाएं रही हैं, क्योंकि ये इन सीमाओं में ही सामरिक महत्व की चीज़ें होती हैं, जनसंख्या होती है जो कि उस देश को बनाती है। तो सीमाएँ हमेशा से ही रही हैं, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि मौर्य साम्राज्य के आने के बाद, जो पहला एक साम्राज्य बना है देश के अंदर, तो उस समय सीमाओं का वर्णन, सीमा रक्षा के लिए एक अलग से बल और सीमा प्रबंधन, इन तमाम चीज़ों का जिक्र हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है और साथ ही साथ भारतहरि के नीति शास्त्र में भी मिलता है। अच्छा। जो आधुनिक भारत है या भारतीय उपमहाद्वीप में जो हमारे आज के जो राष्ट्र हैं, ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेश के ख़त्म होने पर 1947 में इसका जन्म हुआ है, और इन सीमाओं का जन्म भी लगभग उसी समय में हुआ है, और ख़ास करके जो पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमाएं हैं उसके लिए सर रेडक्लिफ को 5 सप्ताह का समय दिया गया कि वो भारत और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटे। तो उन्होंने पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से को और बंगाल के पूर्वी हिस्से को बांटा, उस समय का ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनाया। और ऐसा करने के लिए चूंकि उनके पास सिर्फ 5 सप्ताह का समय था, तो उन्होंने मानचित्र के ऊपर रेखाएं खींची, और वो उन रेखाओं की वजह से एक बिल्कुल ही अप्राकृतिक अननेचुरल सा बाउंड्री हमें बना। और चूंकि ये अननेचुरल था, जिसकी वजह से सीमा पर रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई, और सीमा से जुड़े हुए बहुत सारे क्राइम होते थे और उसके प्रबंधन में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। शुरुआती दौर में जितने भी राज्य हैं भारत के जिनके की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, स्टेट के स्टेट रिजर्व पुलिस या रिजर्व आर्म पुलिस, इनका इस्तेमाल राज्य करती थी। लेकिन इन पुलिस बलों के साथ एक दिक्कत ये थी कि इनकी मैन पावर काफ़ी उम्र दराज थी, इनके पास में हथियार जो थे वो पुराने थे, आर्थिक रूप से भी ये स्वतंत्र नहीं थे, इसके अलावा प्रशिक्षण की कमी थी, और जो सबसे बड़ी कमी थी कि इनकी संरचना इतने विभिन्न प्रकार की थी हर एक राज्य के अंदर कि ये जरूरत के समय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं कर पाती थी, ये दिक्कतें थी। अच्छा। और जो एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना हुई थी उन समय, जैसे आपने बोला कि सब कुछ, जैसे पूरा इतिहास हमारे सामने जैसे आप लाए, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। देखिए, सीमा सुरक्षा बल के गठन से पहले कुछ घटनाएं हुई थी, और साथ ही साथ दिल्ली में भी कुछ घटनाएं चल रही थी। अच्छा। कुछ कार्रवाइयां चल रही थी जिनके वजह से 1965 में सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ।
इसको समझने के लिए हम ये भी समझें कि 1962 में भारत चीन युद्ध के समय ये महसूस किया गया कि हमारे सीमा प्रबंधन में काफी कमियां हैं। फिर ये बात चली रही थी और ITBP का गठन हो चुका था चीन बॉर्डर देखने के लिए, चीन और तिब्बत बॉर्डर देखने के लिए। तभी 1965 में पहला घोषित युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। जब इसकी कार्रवाई शुरू हो रही थी जनवरी के महीने में, जनवरी 1965 में पाकिस्तान कंजरकोट इलाका जो गुजरात का है वहाँ पर अपना दबाव बढ़ा रहा था और उसके सामने जो स्टेट राज्य पुलिस थी वहाँ पे की वो बिल्कुल ही नाकामयाब साबित हो रही थी। उसको ऑगमेंट करने के लिए, उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए CRP की कुछ कंपनियां वहां पे भेजी गई। इधर दिल्ली के अंदर श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने सचिवों की एक बैठक बुलाई और वहां पे एक कमेटी का गठन किया। अच्छा। जिस कमेटी को लेफ्टिनेंट जनरल कुमार मंगलम साहब लीड कर रहे थे और उन्होंने अप्रैल के महीने में एक अपनी रिपोर्ट पेश की। अच्छा। उस रिपोर्ट के ऊपर श्री LP सिंह जो उस समय के हमारे गृह मंत्रालय के सचिव थे और जनरल चौधरी और साथ ही रक्षा मंत्रालय के सचिव, इन्होंने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करके उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दी। इसी समय में गुजरात के लिहाज से देखें तो गुजरात में एक पोस्ट है सरदार पोस्ट, उस सरदार पोस्ट के ऊपर में 9 अप्रैल को ब्रिगेड की ताकत के साथ में पाकिस्तान ने हमला किया। CRP की कंपनी वहां पे थी, काफ़ी अच्छे तरीके से लड़े लेकिन वो नाकामयाब रहे और वहां पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया। फिर भारतीय सेना को उतारना पड़ा और भारतीय सेना ने दोबारा से सीमाओं को अपने पुराने जगह तक पहुंचाया और युद्ध की स्थिति बाकी जगहों पे बनी। अभी इसी समय मई के महीने में एक बार और प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के गृह मंत्री आते हैं और IGPs आते हैं और उनके साथ में जब मीटिंग के अंत में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि एक सशस्त्र बल की स्थापना की जाएगी जो कि पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमाओं का ध्यान रखेगी, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी। अच्छा। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी गृह मंत्रालय के और एक IG रैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी गृह मंत्रालय में बुलाया गया। ये जो अधिकारी IG रैंक के थे ये थे श्री KF रुस्तम जी। अच्छा। और यही आगे चल के BSF के पहले डायरेक्टर जनरल बने। अच्छा, और एक बात जो जानना चाहती हूँ, आपने जैसे बताया कि सीमा सुरक्षा बल की कैसे स्थापना हुई, तो इनके आत्मनिर्भर बनने के पीछे भी कोई ऐसे ही कारण होगा, उसका सशस्त्र बनने के भी कोई ऐसे ही कारण होगा, अगर वो आप हमारे साथ शेयर करें। जी हाँ, जो जरूरत महसूस की गई कि एक ऐसा बल चाहिए जो कि सीमा रेखा की पवित्रता बनाए रखे, सीमा क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा कर सके और गैर कानूनी तौर पे जो भी कार्यवाही सीमाओं पे हो रही है उन पे रोक लगा सके। साथ ही साथ इस बल के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सामरिक महत्व की जानकारी अपने एडवर्सरी देश के अंदर से भी प्राप्त कर सके। अच्छा। जो सीमा के ऊपर हमारे आर्थिक स्रोत हैं उन आर्थिक स्रोतों की सुरक्षा कर सके और छोटे मोटे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का खुद से निपटारा कर सके ताकि आर्मी को हर समय में आने की जरूरत ना पड़े और एक स्ट्रेटजिक डेप्थ जो है हमारे पूरे सुरक्षा व्यवस्था को दिया जा सके और युद्ध के समय निश्चित रूप से हमारी सेना को मदद कर सके। ये सोच थी और इस सोच के साथ जो सबसे जरूरी चीज़ है कि इसकी संरचना समझना जरूरी है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी संरचना हो जो कि अपने टास्क को पूरा कर सके, जिस टेरेन में उसको डिप्लॉय होना है, जिस तरह के वातावरण में उसको डिप्लॉय होना है उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हो, इतने हथियार उसके पास हो, इतने साजो सामान उसके पास हो कि वो अपने इंडिपेंडेंटली कोई कार्यवाही कर सके। साथ ही साथ सेना के साथ जरूरत पड़ने पर मिल सके, पुलिस का कैरेक्टर हो, क्योंकि इसको
लोगों के साथ काम करना है, एक्सक्लूसिविटी में यानी अलग से काम नहीं करना है, इसको पुलिस का कैरेक्टर रखना है क्योंकि इसको सीमा पर रहने वाले लोगों के साथ में काम करना है। जहां तक शस्त्रों का सवाल है, एक चीज और भी महत्वपूर्ण है कि जनरल जे एन चौधरी उन्होंने मई 1965 में एक छद्म नाम से एक आर्टिकल पब्लिश कराया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग मिलिटराइजेशन की बात करते हैं बॉर्डर की, बॉर्डर पे सशस्त्र सेना रखने की बात कर रहे हैं, उनको ये चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि सीमाएं जो हैं वो संधि का, दोस्ती का, व्यापार का, इन सभी चीजों का, सह विकास का, इनके जरिया है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे बल को रख दें और उसको ऐसे शस्त्र दे दें, इतने भारी हों कि छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो भी कहीं युद्ध का शक्ल ले सकते हैं। अच्छा, तो इतना भी नहीं देना है और इतना कम भी नहीं देना है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सके और छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा भी ना कर सके। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी रचना की गई। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि कैसे सशस्त्र वाहिनी के रूप में हमारे सामने आए बीएसएफ, तो जब बीएसएफ एक सशस्त्र वाहिनी के रूप से एक तौर से हमारे सामने आई, तो इसके पीछे कोई योजना की थी इसके पीछे? जी हाँ, योजना थी इसके पीछे। और ये जो सचिवों की कमेटी ने दोनों जो बने थे, ग्रुप बने थे, अच्छा, रिपोर्ट देने के लिए, उनके उनको समाहित किया और 16 नवंबर 1965 को एक मेमोरेंडम के साथ आए। और उस मेमोरेंडम में बड़ा साफ लिखा था कि ये जो सशस्त्र पुलिस बल है राज्यों का, उनके ऊपर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सेंट्रल लेवल पे बना दिया जाए तो कमांड एंड कंट्रोल में दिक्कत होगी। दूसरी चीज कि अगर उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको नए हथियार दिए जाएं और या उनको नए काडर दिए जाएं, तो ऐसे हालत में हमें राज्यों से अनुमति लेनी पड़ेगी जो कि बीएसएफ के काम करने में दिक्कत पैदा करेगी। इसीलिए ये सुझाव दिया गया कि जितनी भी ये सशस्त्र पुलिस बल हैं हर एक राज्य के पास में, जो सीमाओं की रक्षा उस समय कर रही हैं, उनका सीधा सीधा विलय कर दिया जाए बीएसएफ के अंदर। अच्छा, और एक बात जो आपसे जानना चाहती हूँ कि जमीनी स्तर पर जो बीएसएफ अभी खड़े हुए हैं, तो इसके पीछे भी कोई मतलब किस रूप में खड़े हुए हैं, इसके बारे में अगर कुछ आप बोले। जमीनी तौर पे जो खड़े होने की प्रक्रिया थी इस बल की, उसको समझने के लिए और उसके निटिगिटी को समझने के लिए किस प्रकार से काम हुआ, हमें रुस्तम जी साहब के, जो हमारे प्रथम डीजी थे, उनकी उन डायरियों का सहारा लेना पड़ता है जिसमें कि काफ़ी कुछ इतिहास न सिर्फ बल का बल्कि भारतवर्ष का भी लिखा हुआ है। वो 40 डायरियां जो कि आज के डेट में भारत के आर्काइव्स के अंदर हैं, उसमें वो लिखते हैं कि 21 जुलाई को वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आते हैं। अच्छा। गृह मंत्रालय के अंदर में, और वो वन मैन आर्मी बन जाते हैं, यानी वन मैन प्रहरी बन जाते हैं। अच्छा। ना उनके ऊपर कोई है ना उनके नीचे कोई है। तो सबसे पहले जैसे युद्ध खत्म होता है, युद्ध खत्म होने के बाद वो जाते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एकेडमिक वर्ल्ड से ऐसे लोगों को चुन के आते हैं जो कि उनको एक बल बनाने में मदद करेगा। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट पुलिस की जो वाहनियां थी उनको मर्ज किया गया, तो वो 25 बटालियन कोर बनी। अच्छा। ये सबका कोर वो 25 बटालियन बना। जो ये अधिकारी चुने थे हमारे रुस्तम जी साहब ने, उन्होंने उन अधिकारियों को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा और वहां से बलिष्ठ, शारीरिक और मानसिक रूप से बलिष्ठ लड़कों को चुन के लेके आए और उनसे 12 बटालियनें बनाई। अच्छा। 2-3 महीनों के बाद में 1966 के अंदर जम्मू कश्मीर की 15 वाहिनियों को शामिल किया गया। इस प्रकार से 52 वाहिनियां हो गई, 52। अच्छा। बटालियन हो गई। अब ये लेकिन इनकी सबकी संरचना अलग अलग थी, स्ट्रेंथ अलग था, सबके जनशक्ति अलग थी, तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग किया गया और रीस्ट्रक्चरिंग करके स्टैंडर्डाइजेशन किया गया जिससे कि 60 बटालियन बन गई। तो शुरुआती दौर में ही 6 महीने के अंदर ही हम 0 से 60 पहुंच गए थे। जैसे हम देखते हैं कि बीएसएफ जब भी खड़े होते हैं वो अपने काम करते हैं, तो आप लोगों का धैर्य वाक्य क्या है? सन 69 में बीएसएफ एकेडमी ने हमें हमारा ध्येय वाक्य दिया था। अच्छा। वो था ड्यूटी अनटू डेथ, लेकिन
इस नए मिलेनियम के अंदर इसके ऊपर कुछ एस्थेटिक प्रश्न चिन्ह लगा कि ये इसमें डेथ शब्द है, तो उसको आप बदल के हिंदी में उसको उसी चीज़ को हिंदी में हम कहते हैं और थोड़ा माइल्डर वर्जन में कहते हैं जीवन पर्यंत कर्तव्य। अच्छा, जब तक जीना है तब तक कर्तव्य करना है। बिल्कुल। और एक बात जो जानना चाहती हूँ कि सीमा सुरक्षा बल के जो अंदरूनी कार्यशाली है तो उसके बारे में अगर आप कुछ बोले। बीएसएफ के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग किसी भी चुनौती के लिए किसी भी समय कभी भी तैयार रहते हैं। जो भी राष्ट्र हमें जिन चुनौतियों का सामना करने के लिए बताती है, हम उसके लिए उसको पहले से एंटिसिपेट करके हम उसका उसके प्रति सजग रहते हुए उसकी उसका प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसके रिहर्सल्स करते रहते हैं। हर लेवल पे, हर स्तर के ऊपर हम ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी संसाधन हमारे पास हैं, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, हम उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। और उन रिसोर्सेस को की वजह से ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेस कम है इसीलिए हम अपने चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम इनोवेशंस और इम्प्रोवाइजेशंस पे जाके भी अपने संसाधनों की कमी पूरी करते हैं और किसी भी चुनौती के लिए किसी भी दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल। और एक बात सर जो आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके अंदर जो बीएसएफ की डेवलपमेंट कैसे हुई, अगर उसके बारे में आप कुछ बताएं तो। जी हाँ, मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि बीएसएफ के शुरुआत से ही यानी 1965 के बाद से ही तरह तरह के ड्यूटीज़ हमें मिलती रहीं। नई, जो बिल्कुल ही नई चुनौती थी, कभी उसका पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो चूंकि इतने तरह तरह की ड्यूटीज़ मिली हैं कि हमारा एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़ गया और हम आज के डेट में एक ऐसे भरोसेमंद बल के रूप में हैं जिस पे कि राष्ट्र हमारा, हमारी जनता भरोसा कर सकती है। अगर हम कुछ खास चुनिंदा घटनाओं का या कुछ खास डिप्लॉयमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये शुरुआत तो 1969 से ही हो जाती है, जबकि हमें अहमदाबाद दंगों में या एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस में लगाया गया। इसके बाद जब चंडीगढ़ के अंदर एक संत फेरुमन थे, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, तो लॉ एंड ऑर्डर का एक्सपीरियंस हमें पहले वहाँ से मिला। उसके बाद 1971 का युद्ध तो एक लैंडमार्क है ही, जिसमें कि युद्ध से पहले, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद भी हमारी जो सेवाएं हैं वो चलती रहीं। 1973 में हमने नागा आतंकवादियों का जो सरेंडर्ड ग्रुप था उससे हमने 2 बटालियन बनाकर एक तरीके से नागा इंसर्जेंसी के ऊपर में कंट्रोल किया। अच्छा। 1974 में जब रेलवे स्ट्राइक हुआ था उस समय हमने रेलवे संचालन में भी सहयोग दिया। 1981 में हमने चंबल के इलाके में डकैतों के खिलाफ में अभियान चलाया, उसमें भी शामिल रहे। 1982 में जब एशियन गेम्स हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, तो उस समय 13 वेन्यूज का सुरक्षा हमें दिया गया था, वो हमने पूरा किया। 1983 में नैम समिट को हमने सुरक्षा प्रोवाइड की। इसके अलावा 1987 में ही पहली बार हमें चुनाव में लगाया गया, जब हम असम में चुनाव करवाया हमने, और पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी 1987 में ही शुरू हुई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआती कार्रवाई की। 1985 में असम और नागालैंड के बीच जो झड़पें हो रही थी उनको भी हमने सुलझाया। में हम 1988 में गए। 1989 से हम लगातार लगभग 2007 तक जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी कार्रवाई करते रहे। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार घुसपैठ की जानकारी बीएसएफ के द्वारा दी गई और साथ ही साथ जो एक क्षेत्र दिया गया जिस पे हमें अपना कब्जा बनाए रखना था, हाँ। वहाँ पे हमने कब्जा बनाए रखा और वहाँ से कोई किसी भी प्रकार की कोई घुसपैठ नहीं हुई। 2009 में से हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में माओवादी कार्रवाई में लगे हुए हैं, एंटी माओविस्ट ऑपरेशंस में। 2010 में जो गेम्स विलेज था कॉमनवेल्थ का, उसकी सुरक्षा हमने की। ये कुछ वो लैंडमार्क्स हैं जिससे कि जो बताता है कि कितना अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस हमारे बल को है। अब तक की बीएसएफ की जितने भी दायित्व और कर्तव्य है उसमें कोई की किसी तरह की सी बदलाव आई है क्या? जी हाँ, समय के साथ सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया है कि जो हम सीमा सुरक्षा के लिए सिर्फ बनाए गए थे, अच्छा। आज के डेट में हम सीमा प्रबंधन पे ग्रेजुएट कर चुके हैं,
और इसके पीछे कारण ये है कि सीमा के ऊपर आप देखें तो विकास के, आर्थिक उन्नति के बहुत स्कोप हैं, और उस स्कोप में है तो सही, लेकिन वहाँ पर राष्ट्र की और जो प्रशासन के तंत्र हैं वो वहाँ तक होते नहीं हैं। अच्छा। सबसे दूर दराज के इलाकों में बीएसएफ मौजूद रहती है, वहाँ के लोगों से बातचीत करती है, उनकी ज़रूरतों को समझती है और उन ज़रूरतों को स्थानीय प्रशासन तक हम पहुँचाते हैं, और जितने भी एजेंसीज़ हैं जो कि उसके ऊपर काम कर सकती हैं उन सब के बीच समन्वय स्थापित करवाते हैं। जब वहाँ पे काम चल रहा होता है तो उसके ऊपर सुपरविजन रखते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जो एनजीओज हैं अगर वो उसमें शामिल होते हैं तो उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनसे भी समन्वय स्थापित करवाते हैं। ये तो सीमा प्रबंधन का एस्पेक्ट हो गया। इसके अलावा हम लोग अब और भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि हमारी 3 वाहिनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए है। अच्छा। 3 NDRF की बटालियंस हैं हमारे पास में। NDRF का मतलब नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स। इसके अलावा हर लेवल के चुनाव हम कराने के लिए हमें बुलाया जाता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए जब कभी भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो बुलाते हैं। कानून व्यवस्था जब स्थापित करनी होती है तो राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पे हम लोग वहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय रेल और बस चलती हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, जैसे कि वागा में है, मुनाबाओ में है, कलकत्ता में है, ये जो ट्रेन जाती हैं जो बांग्लादेश के लिए या पाकिस्तान के लिए उनकी सुरक्षा करते हैं। बस जाती है उरी से बांग्लादेश के लिए, उरी से पाकिस्तान के लिए, उनकी सुरक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट जहाँ से ट्रेड हो रहा है आज के डेट में उसकी सुरक्षा करते हैं। करतारपुर कॉरिडोर जो अभी खुला है उसकी सुरक्षा हमारे जिम्मे में दी गई है। इसके अलावा हम लोग NSG और SPG जैसे संस्थानों को जो कि पूरी तरह से डेपुटेशन फोर्स है उनको भी कार्मिक मुहैया कराते हैं, और सामरिक महत्व की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको कि बहुत अव्वल दर्जे की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कि ISRO, NTRO, उनको भी हम सुरक्षा मुहैया कराते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जितने भी समय दिया हम लोगों को और इतने सारे बातें जो हम लोगों को नहीं पता था वो आप शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, धन्यवाद। যারা এতক্ষণ দেখছিলেন তাদের প্রতিও একটাই কথা থাকবে যে আমাদের কাছে সীমান্ত মানে কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া, কিন্তু এই কাঁটাতারের বেড়া ছাড়াও আরো অনেক কিছু গল্প অজানা থেকে যায়, এবং সেই বিষয়গুলি আপনাদের জানানোর জন্য বা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করার জন্য কিন্তু আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান, এবং 4 দিনের আজ প্রথম দিনের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করছি। সঙ্গে থাকুন হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনালের। নমস্কার।